सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज अपन सामाजिक विज्ञान भाग चार अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आपने पहले इसके पहले जो है संसाधन के रूप में लोग उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आंसर बेटा मैंने 6 क्वेश्चन आंसर उसके बता दिए थे। अब आज बेटा आपको उसके आगे के क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? ठीक है, वे क्रियाएं जो देश में देश की आय में वृद्धि करती हैं, मतलब वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जो देश के विकास के लिए मतलब देश में रोजगार बढ़ाने के लिए देश उत्पादन के लिए है ना, तो ये वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रियाएं आय के लिए की जाती हैं उन्हें क्रियाएं कहा जाता है। मतलब अपन कोई भी कार्य करते हैं आय उपार्जन के लिए करते हैं तो उन्हें क्रिया कहा जाता है। वे क्रियाएं जो आय के लिए नहीं की जाती उसे गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। मतलब जो क्रियाएं आय के लिए नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यदि कोई माँ, मान लीजिए आप, इसके लिए उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, यदि कोई माँ किसी होटल में खाना बनाती है और उसके लिए पैसे मिलते हैं तो वह क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं काम करता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है तो वो उसकी आय कहलाएगी, तो कौन सी क्रिया कहलाएगी बेटा? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जब हम अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं तो वह क्या कहलाएगी? जैसे मान लीजिए मम्मी है, घर में डेली खाना बनाती है, तो क्या अपन उनको पैसे देते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार बेटा ये एक प्रकार से गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो ये हो गया बेटा आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। जो अपन आय के लिए कार्य करते हैं वो कहलाती है आर्थिक क्रिया, और जो अपन अपने लिए घर के लिए काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं, वो कहलाती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद है बेटा, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित हो जाती हैं? महिलाएं मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा महत्वपूर्ण कारक में से एक है। मतलब बाजार में किसी व्यक्ति के आय निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा। भारत में महिला पुरुष की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं, मतलब जो भारत में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि महिला कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ चल रही, ठीक है। उनके पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल का स्तर होता है, इसलिए पुरुषों की तुलना में वे कम वेतन दिया जाता है। ज्ञान व जानकारी के अभाव से महिला कैसी होती हैं? असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो उन्हें एक मजदूर कम मजदूरी देता है और उन्हें अपने कानूनी अधिकार की जानकारी भी नहीं है। फिर है महिलाओं की शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन दिया जाता है। उसके बाद है बेटा प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हो? बेरोजगारी मतलब बेटा अगर अपने पास कोई कार्य ना हो, आय उपार्जन का कोई साधन ना हो, तो उसे कहेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ होता है बेटा जब लोग काम करने के लिए इच्छुक तो होते हैं पर उनके पास कोई कार्य नहीं होता, उसे कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ होता है जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं किंतु उन्हें रोजगार ना मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को आती है। जैसे कामगार संख्या में 25 से 59 वर्ग के आयु के लोग आते हैं, तो ये हो गई बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है बेटू? बेरोजगारी का अर्थ होता है जब लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं पर उनके पास कोई कार्य, उन्हें कोई काम ना मिले, तो उसे कहते हैं बेरोजगारी। उसके बाद है बेटा प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर होता है, है ना। तो बेरोजगारी भी के भी कई प्रकार हैं बेटा। तो प्रचंड बेरोजगारी,
प्रकार होते हैं, है ना। तो प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो प्रचंड बेरोजगारी मतलब प्रचंड बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। ऐसा प्रायः किसी क्रिया से जुड़े परिवार के सदस्य के साथ होता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसे 5 लोगों की आवश्यकता है, कोई काम है, उसे 5 लोगों की आवश्यकता है, किंतु उसे 8 लोग लगे हुए, तो वो क्या कहलाएगी? प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहाँ 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता कैसी हो जाएगी? कम होगी। ये 3 लोग क्या कहलाएंगे? प्रचंड बेरोजगारी में शामिल होंगे। मतलब प्रचंड बेरोजगारी मतलब एक कोई काम है, उसमें 5 लोगों की आवश्यकता है और 8 लोग लगे हैं, जो 3 लोग हैं वो प्रचंड क्या कहलाएंगे? वो प्रचंड बेरोजगारी में शामिल होंगे। उसके बाद है बेटा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष में कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालीन रोजगार नहीं है, मतलब कृषि पूरे समय नहीं होती, कभी कभी होती है ना, वो ऋतुओं के अनुसार उनमें काम होता रहता है। तो भारत में कृषि कोई पूर्णकालीन रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ वास्तव में मौसम होते हैं जब बिजाई, कटाई, निराई और गहाई की जाती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को काम अधिक मिल पाता है। तो ये क्या पढ़ा आपने? प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद है बेटा शिक्षित बेरोजगारी। भारत के लिए एक विशेष समस्या है। समस्या तो है बेटा, आज देखो अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर बेरोजगार हैं, है ना। शिक्षित रोजगार शहर में एक सामान्य परिघटना बन गई है। इसमें मैट्रिक, स्नातक, कई डिग्री धारक ऐसे हैं, युवा हैं, जो रोजगार पाने में क्या है? असमर्थ हैं। एक अध्ययन के यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक और स्नातक उत्तर डिग्रीधारियों को बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। एक विद्रोहाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आती है, क्योंकि कुछ वर्गों में अतिशेष जनशक्ति, अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के साथ साथ विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। उपरोक्त के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। तो अब ये क्या हो गया बेटा? अपन ने पढ़ा शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए क्या है? एक समस्या है। तो यहाँ पे तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग मतलब उनको अच्छे अच्छे तकनीकी ज्ञान है, पर वो क्या है? बेरोजगारी है, क्योंकि कोई कार्य नहीं है उनके लायक, इसलिए वो क्या है? बेरोजगार है। और ये आर्थिक समृद्धि के लिए तकनीकी कौशल की कमी है। और उपयुक्त प्रकाश में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए क्या है? एक समस्या है। फिर है भारत, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार में सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो हमारी अर्थव्यवस्था में श्रम सबसे बड़ा अवशोषक कृषि क्षेत्र है। हाल में ही वर्षों में प्रचंड बेरोजगारी कारण इस क्षेत्र में गिरावट आई है। मतलब क्या प्रचंड बेरोजगारी? मैंने बताया ना बेटा, काम 5 लोगों का है और कर 10 लोग रहे हैं, है ना। तो वो जो 5 लोग कर रहे हैं वो तो रोजगार हैं, लेकिन जो 5 लोग उनके साथ लगे हैं वो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रमिक द्वितीय आर्थिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। मतलब जो कृषि क्षेत्र है उनको श्रमिक द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में उनको जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र में श्रम सबसे महत्वपूर्ण अवशोषक लघु स्तर विनिर्माण क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में कई नई नई सेवाओं का आगमन हुआ, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी आदि।
बेटा इसमें भी दो तीन क्षेत्र होते हैं, है ना। रोतित्विक क्षेत्र में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक विनिर्माण क्षेत्र है। रोतित्विक क्षेत्र में कई कई मतलब कई नई सेवाओं का आगमन हुआ, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी। हाल ही वर्षों में BPO अथवा कॉल सेंटर उद्योगों में सर्वाधिक नौकरी के अवसर प्रदान हुए। शिक्षा युवा वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुए, मतलब आज शिक्षा का क्षेत्र बेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। फिर बेटा प्रश्न क्रमांक 13, तो क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगार की समस्या दूर करने के लिए आप सुझा सकते हैं, मतलब जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए, तो जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सहायक सिद्ध होते हैं बेटा, तो केवल किताबी ज्ञान देने की अपेक्षा अधिक तकनीकी शिक्षा दी जाए, मतलब जो बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए ये है कि इसमें आपको किताबी ज्ञान से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान आपको दिया जाए। फिर है शिक्षा को अधिक कार्योमुखी बनाया जाए, किसान के बेटे को साधारण स्नातक की शिक्षा देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि खेत में उत्पादन कैसे बढ़ा जाए, मतलब एक किसान होगा बेटा तो वो अपने बच्चे को उतनी शिक्षा दे पाएगा कि वह स्नातक तक पढ़ ले, लेकिन उस किसान को अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि वह खेती में उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, उसका उसको मतलब कोई प्रशिक्षण या ज्ञान या कोई ऐसी शिक्षा दी जाए। फिर है शिक्षा के लोगों में स्वावलंबी और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना, मतलब शिक्षा से लोग क्या होते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, और मतलब जब अगर स्वावलंबी बनेंगे वो शिक्षा प्राप्त होगी तो वे कोई भी छोटे मोटे उद्योग के लिए भी क्या होंगे, प्रेरित होंगे। फिर है शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, इसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे क्रियान्वित करना चाहिए, मतलब आपने शिक्षा ले ली नहीं, शिक्षा लेने के बाद नहीं कोई नहीं, जब कोई काम के लिए बुलाएगा तब जाएंगे, ऐसा नहीं। शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपन को योजना बनानी चाहिए, अगर शिक्षा भी ले रहे हैं तो योजना बना के कि हमें आगे इसके लिए क्या करना है, भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर मतलब शिक्षा लेनी चाहिए। फिर है रोजगार को अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, शिक्षा ले ली बेटा अपन ने तो शिक्षा लेने के बाद अपन को घर में नहीं बैठना है, रोजगार के अवसर के लिए अपन को मतलब उनके बीच मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, रोजगार ढूंढना पड़ेगा, है ना, उसके अवसर अपन को पैदा करने होंगे। तो ये है बेटा केवल शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। तो उसके बाद है बेटा, क्या आप कुछ ऐसे गाँव की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर रोजगार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुआयात में मतलब जो वहाँ पे रोजगार का कोई सिस्टम नहीं। हाँ, मुझे अपने माली द्वारा सुनाई गई कहानी, मतलब काल्पनिक कहानी एक माली ने सुनाई, उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसके गांव में एक मूलभूत सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क और बाजार, यहाँ तक कि पानी बिजली की उचित आपूर्ति का भी अभाव था, मतलब जो उसके गाँव था ना वहाँ पे बिजली की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी, ना वहाँ पे सड़कें थी, ना अस्पताल थे, ना विद्यालय थे, तो वह कैसा था, आपूर्ति का अभाव था। मतलब गांव में लोगों ने पंचायत का ध्यान समस्या मतलब गाय की पंचायत ने इन समस्याओं की वो क्या किया, अपना ध्यान उत्कृष्ट कराया, मतलब उसके ऊपर ध्यान दिया। तो पंचायत ने एक स्कूल, पहले तो एक स्कूल खोला, तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिला, जल्द ही गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे और वहां कई प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ, मतलब जब शिक्षा का विकास होगा तो तकनीकी विकास भी होगा। अब गांव में के पास बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, पानी व बिजली की उचित आपूर्ति व्यवस्था, मतलब वहां पर पूरी आपूर्ति उपलब्ध थी। सरकार ने जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रकार के प्रयास किए। तो
यहाँ पर बेटा आपने देखा कि आप ऐसे गांव की कल्पना जहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आपको सब चीज़ की व्यवस्था हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, है ना, बिजली पानी, सारी चीज़ की सुविधा है। इसके लिए सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयासरत है। कृषि एवं गैर कृषि क्रियाएं भी आधुनिक तरीके से की जा रही हैं, मतलब आज जो कृषि कार्य है वो भी तकनीकी विकास और आधुनिकता के साथ हो रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक है बेटा 15, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, मतलब कौन सी पूंजी है जिसे आप सबसे अच्छा मानते हैं, उसमें भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी हैं। तो जिस प्रकार जल आवश्यक है, देखो अपने लिए अपने जीवन में मतलब सब चीज़ों की आवश्यक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव स्वयं, इसके लिए मतलब अपन मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी मतलब मानव द्वारा आर्जित, है ना। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, मतलब ये सब चीज़ क्या है, अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। लोग भी बहुमूल्य संसाधन हैं, मतलब जो मानव है वह भी एक बहुमूल्य संसाधन है। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्ति के उपभोक्ता मात्र नहीं, वे राष्ट्रीय संपत्ति के लिए उत्पादक भी हैं, मतलब मानव ही राष्ट्रीय संपत्ति को क्या करता, क्या क्या है, उत्पादक है। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधन जैसे भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भूमि में पूंजी का प्रयोग करते हैं, भूमि में पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए कोई एक भूमि है, अगर उसमें आप ऐसे ही पड़े रहे, ठीक है, तब तक उसमें कोई किसान फल मतलब ना हो, मतलब कृषि करे, तब तक उसमें आप कुछ उगा सकते हैं तो भूमि बेकार है, उसमें जल भी डाल देंगे तो वो भी बेकार है। लेकिन मानव द्वारा, उसमें मानव एक ऐसा संसाधन है, जब उसमें मानव अपना श्रम दान करता है तो उसको भूमि क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। भूमि में पूंजी का प्रयोग करते हैं, भूमि में पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकती। यदि हम लोग शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधा के द्वारा निवेश करें तो जनसंख्या के बड़े भाग को परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। हम मान लीजिए आप जापान का उदाहरण ले लीजिए, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इस देश ने अपने लोगों पर निवेश किया, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र, और इन लोगों ने अपने संसाधन को दक्षतापूर्ण उपयोग करके नई तकनीकी विकसित की। मतलब आप देखो कोई भी चीज़ सबसे पहले जापान से ही बनती है ना, तो उन्होंने अपने तकनीकी विकास करके अपने देश को क्या बनाया, समृद्ध और विकसित बनाया। इस प्रकार मानव पूंजी अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षाकृत कैसी है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये क्या कहते हैं, मानव पूंजी तकनीकी विकास जो करता है वो कौन करता है, मानव। तो मानव द्वारा जो विकास हुई उसके लिए जो अपन को आय, राष्ट्रीय आय, आय के द्वारा राष्ट्रीय आय बनती, प्रति व्यक्ति आय मिलाकर क्या बनती है, राष्ट्रीय आय बनती है। बच्चों आपको ये सारे प्रश्न मैंने बताए, ये पाठ अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, तो उसके पाठ के पूरे क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको लिखोगे और याद करो। धन्यवाद।